नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में हम अंतरा पाठ्य पुस्तक की जो यानी कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा, उसके काव्य खंड से महादेवी वर्मा जी की दो रचनाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहला है जाग तुझको दूर जाना और दूसरा है सब आँखों के आंसू उजले। अब चलिए हम सबसे पहले जो हमारी कवित्री हैं उनका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया, तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और बातें जानते हैं महादेवी जी के बारे में। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोकगीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपनी विशिष्ट रचा और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और हास्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और बातें जानते हैं महादेवी जी के बारे में। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, उसके बाद नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखाई। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। पाठ्य पुस्तक में उनके दो गीत संकलित किए गए हैं। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानों को जगाते हुए महादेवी ने कहा, जाग तुझको दूर जाना। दूसरा गीत सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस रूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुँचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। तो पहला गीत है वो है जाग तुझको दूर जाना। उसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से, चीट सजग आंखें और नींदी आज कैसा व्यस्त बान, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि जो तुम्हारी आंखें हैं जो हमेशा सजग रहती थी, वो आज इस तरह से नींद से भरी हुई क्यों है और तुम्हारी वेशभूषा आज इस तरह से अस्त व्यस्त क्यों है। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि अचल हिंदी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहती हैं कि चाहे भले ही हिमालय के हृदय में आज कंपन हो जाए या फिर जो अलसाया हुआ हुई जो रोशनी है वो भी प्रलय के आंसू रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे भले ही पूरे प्रकाश को पी ले या फिर उसे निगल जाए और पूरे आकाश में घनघोर अंधेरा छाया जाए। जाकर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे जो बिजली जब चमकती है तो उन्हें उनसे ही विद्युत शिखाएं कहा गया इनमें। तो कहते हैं चाहे ही विद्युत शिखाओं के रूप में जो तूफान है निश्चुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहते हैं कि लेकिन तुम्हें नाश पथ पर ये नाश पथ यानी स्वाधीनता की तरफ हमारा जो बढ़ता हुआ कदम है, जो हमारा रास्ता है, उस पद पर हमें पता है कि हो सकता है कि हमारा विनाश हो जाए, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो पद चिन्ह है उन पर छोड़ के आना चाहिए। यानी कि कवित्री एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें उत्साहित कर रही हैं उन पुरुषों को, उन व्यक्तियों को जो कि गुलाम भारत में जिनका जन्म हुआ था, ताकि वो अपने स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े।
उन्हें वो प्रेरित करते हुए कहती हूँ कि उनके चाहे कितने भी कष्ट हैं रास्ते में, उन सबको भूल कर तुम्हें और जो नाश पथ है उस पर अपने पद चिन्हों को छोड़ कर आना है। इसीलिए जाग जाग जाओ, तुम्हें दूर जाना है। तो चले आगे की पंक्तियों में, कुछ और आगे की जो कविता है, कविता के आगे की कुछ और पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम आगे साइड में। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कहते हैं कि हो सकता है कि क्या तुम्हें जो ये बोल सकते हैं यहाँ पे मोम के बंधन सजीले की बात है, जो सांसारिक मोह माया है उसके बारे में ये बात कही गई है। और तो कहते हैं कवित्री कहती हैं, तो क्या तुम्हें जो संसार की जो मोह माया है ये क्या तुम्हें बांध लेंगे। और साथ ही साथ कहते हैं कि क्या तुम्हारे रास जो सुंदर युक्तियों उनके जो हाव भाव है क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे। आगे की पंक्तियों में कवित्री इस तरह कहते हैं कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले। कहते हैं कि क्या भौरों की जो मधुर गुनगुन है, ये गुनगुन की जो ध्वनि है मधुर, उनकी आवाज है, क्या वो जो पूरा विश्व जो रो रहा है उस रोने की आवाज को भुला देगी। और इसके साथ ही साथ कहते हैं कि क्या तुम्हें ये जो फूल के दल और फूल के दल ओस गीले, कहते हैं कि जो गीले ओस है या जो फूल के एक तरह से कह सकते हैं झुंड है, क्या वो तुम्हें डुबा देंगे। आगे की बात आगे कवित्री कुछ इस प्रकार से कहती है, तू ना अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना। कहते हैं कि सिर्फ इसलिए आराम से रहने के लिए, अपने आप को हमेशा छांव में रखने के लिए, इस तरह के अपने आराम को किसी भी तरह से अपने लिए कारागार मत बना देना। इसीलिए जागो जागो तुमको जो दूर जाना, यानी जाग तुझको दूर जाना। तो चलिए आगे की पंक्तियां भी पढ़ते रहते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। कह रहा कि तुमने अपने वज्र समान जो तुम्हारा कठोर हृदय था उसे एक छोटे से अश्रु कण यानी कि छोटे से आंसू की बूंद में तुमने अपने धोकर उसे गला दिया। और वो कहते हैं कि और अपनी जो जीवन सुधा यानी कि जो जीवन रूपी अमृत है वो तुम किसे देकर अपने उसके बदले में दो घुट जो कह सकते हैं मदिरा मांग लाए, यानी कि दो घुट मदिरा के बदले तुमने अपना जीवन जो जीवन रूपी अमृत है वो किसे दे आए हो तुम। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। कह रही है कि जो मलय पर्वत से आने वाली जो आंधी है वो भी क्या सो गई है एक तरह से। वो कहती है कि क्या वो इतनी शांत हो गई है कि और उसके साथ ही साथ कहते हैं कि और जो कह रही है कि फिर आगे की पंक्ति में कहती हैं जो कवित्री, वो कहती है विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। कह रहे हैं क्या पूरे विश्व का जो अभिशाप है वो क्या तुम्हारे ही पास चीर निद्रा के रूप में आया है। अमरता सुत चाहता कि मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वो कहते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और अमरता सुत हमारे लिए यहाँ पर मनुष्यों के लिए जो कविता उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो, जाग जाओ क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। तो आगे की पंक्तियां भी देखते लेते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। कह रहे कि ठंडी आह मत भरो, और जो भी पुराने समय की जो हृदय में जो मैं जो तुम्हारी धधकती जो ज्वाला है उसे कहते हैं कि उस ज्वाला को किसी भी तरह से एक तरह से कह सकते हैं प्रेरणा दो, बल्कि अपने बिना किसी भी तरह की जो विरह वेदना है वो इस तरह की जो भी पुरानी बातें उन सभी को भूल कर, और जो कोई अपनी बात को ठंडी याद कर उन सारी बातों को ठंडी आह ना भरो, क्योंकि जब हृदय में आग होगा तभी आंखों में जो पानी है वो सजेगा। यानी कि जब यहाँ पे हृदय में आग की बात कही गई, जब देश प्रेम रूपी आग जब हमारे हृदय में जलेगा तभी हमारे आंखों में भी एक कह सकते हैं कि जो सजेगा आज पानी, यानी कि कवित्री कहते हैं तभी आज जो भविष्य में आने वाला जो भारत है उसके सुंदर स्वतंत्र रूप का सुंदर सपना तभी सज पाएगा आंखों में, अगर हृदय में अपने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अगर आग हो तभी हो, यानी ज्वाला हो धड़कती ज्वाला हो तभी ये संभव है। आज की आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को अमर दीपक की निशानी। आगे की पंक्तियां में जो हमारी कवित्री है वो कुछ इस प्रकार से है कि कहती हैं कि तू ये चिंता मत कर कि तुम हो सकता है इस पद पर हार मिल जाएगी, लेकिन तुम ये क्यों सोच रहे कि तुम्हारी जो हार है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक सम्मानित करने वाली हार होगी, जो वो तुम्हारे लिए सम्मानित ही करेगा, वो तुम्हारी विजय का पताका ही लहराएगी।
आगे की पंक्तियों में जो हमारी कवित्री है वो कहते हैं कि जो राक्षणिक पतंग को अमर दीपक की निशान कहते हैं कि भले ही पतंगा जो है वो दीपक के पास जाता है तो वो जल जाता है, लेकिन उसके जल जाने के बाद भी जो उसकी राख एक तरह से राख बनकर वो दिए में ही गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो जो दीपक है वो जलता रहता है, यानी कि वो पतंगा मर कर भी अमर हो जाता है। है तुझे अंगार शया पर मृदुल कलियां बिछाना। तो यहाँ पे जो कवि हैं कवित्री हैं वो कहती हैं कि एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं विरोधाभास देखने को मिलता है कि वो इन पंक्तियों में कहती हैं कि अंगार शया यानी कि जो कह सकते हैं कि जो अंगार यानी कि जो आग की जो शैया है उस पर वो मृदुल कलियां यानी कि मुलायम यानी कि कह सकते हैं कोमल कलियों को बिछाने की बात कह रही है इन पंक्तियों में, तो एक विरोधाभास भी यहाँ देखने को मिलता है। फिर कहती हैं वो जाग तुझको दूर जाना क्या है, कहती हैं कि जाग जाओ तुम्हें दूर जाना है। तो ये तो हुआ हमारा हमारा जो पहला गीत है वो हुआ। अब हम आगे की पंक्तियों में जो हमारा दूसरा गीत है वो पढ़ेंगे। सब आंखों के आंसू उजले, ये दूसरा गीत है इन इसके और इस गीत के बारे में भी हम कुछ पढ़ लेते हैं कि जब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह भूल भूल देता झरिया सौरभ बिखरा, दोनों संगी पते किंतु कब दीप जब खिला कब फूल जला। कहते हैं कि सभी कवित्री इन पंक्तियों के जरिए कहते हैं कि सभी आंखों के जो आंसू है उनमें सच्चाई होती है, यानी कि और उनकी आंखों में जो सपने हैं वो सब खुले आंखों से देखे हुए सारे सपने ऐसे हैं जो सत्य रूपी सपने हैं, जिसे सत्य होने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि लोग कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं कि वो किसी भी तरह से अपने वो जो सपने हैं खुले आंखों से देखें उसे सत्य रूप में परिवर्तित कर सके। तो उसके बाद कहते हैं कि जिस ईश्वर ने दीपक को ज्वाला सौंपी है उसी ने फूलों में मकरंद भी भरा, यानी कि फूलों में जो सुगंध होती है एक तरह से कह सकते हैं वो वही उन्होंने उसी ने उसमें फूलों में सुगंध भी भरा है। आलोक लुटाता वह भूल भूल कहते हैं कि जो दीपक है वो अपने आप को वो निरंतर जलता रहता है और जल जल कर यानी घुल घुल कर एक तरह से वो अपना जो प्रकाश है वो लुटाता रहता है, और जो फूल है वो बिखर कर और अपनी डालियों से टूट कर इधर उधर और सुगंधित एक तरह से कह सकते हैं कि सुगंध बिखरता है सभी तरफ सभी तरफ। तो कहते हैं कि दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, कहते हैं कि दोनों ही एक साथी हैं, दोनों ही मित्र हैं, दोनों का रास्ते भी एक हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो दीपक है वो खिला हो और फूल जला हो, यानी कि एक जगह पे रहते हुए एक पथ के राही होते हुए भी दोनों की जो प्रकृति है या वो अलग अलग है लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति है वो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहना है। चले आगे की पंक्तियों में भी हम पढ़ लेते हैं कि हमारी कविता क्या कहती हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि वह अचल धारा को भेट रहा शत शत निर्जल में हो चंचल, चीर परिधि बना भूगे को घेरे इसका निक और मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ कब गिरिन निर्मम तन बदला। कहता है कि जो हिमालय पर्वत है या फिर जो पर्वत है वो जो हमेशा अडिग रहता है यानी कि अचल रहता है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है झरनों के रूप में होकर वो उस धरती को एक तरह से कह सकते हैं कि उसे छूने की कोशिश करता है और कई रूप कई मुखों वाले झरने के रूप में परिवर्तित होकर एक चंचलता के साथ वो धरती को छूने की कोशिश करता है। उसके बाद आगे कहते हैं कि चीर परिधि बना भू को घेरे, उसके बाद एक कह सकते हैं कि एक ऐसे परिधि एक ऐसा गोल आकार लेकर वो जमीन यानी धरती को घेर लेता है और इसका जो हमेशा जो कह सकते हैं कि जो इसका जो जल है यानी कि जो इसका जो झरने से गिरने वाला जो पानी है वो हमेशा ही एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों के लिए करुणा रूपी जल बन जाता है, दूसरों की प्यास बुझाता है और दूसरों की मदद करता है। तो आगे कहते हैं कवित्री कहते हैं कब सागर उपाषाण हुआ कब गिरिन निर्मम तन बदला, कहते हैं कि कभी देखा है ऐसा कि जो समुद्र है उसका जो हृदय है वो पत्थर का हो गया, और कभी ये तुमने देखा है कि जो गिरी यानी जो पर्वत का जो कठोर हृदय है वो कभी भी बदला हो यानी उसका जो निर्मम तन कभी बदला है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे की पंक्तियां भी देख लेते हैं। आगे की पंक्तियों में जो कवित्री वो कहते हैं कि नव तारक सा खंडित पुल के लिए छूट धारा को चुम रहा हुआ अंगारों का मधुर रस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरा पीला। कहता है कि आकाश के तारों की तरह कई भागों में खंडित होकर भी जो सोना है वो खुश है क्योंकि और
वो इसी रूप में आकर जो धरती है उसे चूम रही है। वो कह रहा है कि आगे की पंक्ति में कवि कहती है, वो अंगारों का मधुर रस पीकर, यानी कि सोने की बात यहाँ पर कही गई कि वो जब कह सकते हैं जब आग में जलता है तभी वो सोना ज्यादा चमकता है, इसीलिए कहते हैं कि अंगारों का जो अंगार है उन्हें एक मधुर रस के रूप में पीकर यानी कि शहद जैसा मीठा समान मानकर वो उसे ग्रहण करता है, और उसके बाद केशर किरण जो केशर है उनकी किरणों की तरह ये चमकता है और चमक कर झूम रहा है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरा पिघला, कहते हैं केवल अनमोल बना रहने के लिए कब ऐसा हुआ है कि सोना टूटा है और हीरा पिघला है। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ भी हम देख लेते हैं, माफ कीजिएगा पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, अनमोल बना रहने के लिए कब भला जो सोना है वो टूटा है और हीरा सोना है, माफ कीजिएगा। तो मेरे कहने का आशय यह है कि अनमोल बना रहने के लिए कब भला ऐसा हुआ है कि हीरा टूटा है और सोना पिघला है। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं, आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, नीलम मरकत के संपुक्त जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, जो नव में विद्युत मेघ बना हुआ रज में अंकुर हो निकला। कहते हैं कि जो नीलम रूपी जो आकाश है और जो जो कह सकते हैं मरकत के संपुक्त यानी कि जो आकाश है और जो पन्ना यहाँ पे जो आकाश है उसे नीलम और जो धरती है उसे पन्ना के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया इन पंक्तियों में। तो कवित्री कहती हैं कि जो आकाश रूपी जो नीलम है और पन्ना रूपी जो धरती है उसके उसी के दो दलों के बीच में जीवन रूपी मोती बनता है, इसी में कई तरह के रंग रूप सब ढलते हैं और उसी की जो प्रकाश होती है उसकी सब तरफ फैलती है, पूरे धरती पर फैलती है, जो नव में विद्युत मेघ बना हुआ रज में अंकुर हो निकला। और वो कहते हैं कि बादल में भी जो विद्युत यानी कि जो बिजली की रोशनी है फिर बिजली कौनने की जो आवाज़ होती बिजली होती है वो जब बादल बनाती है तो वही मिट्टी के साथ मिलकर उसमें अंकुर बनकर निकलता है। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ लेते, आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नाव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने मिलित अपने साधु के छंगिल, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिले काकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। आगे की पंक्तियों में जो हमारी कवि हैं वो कहती हैं कि दुनिया के प्रत्येक कदम में तुम मेरी ये मेरी आहट सुन सकते हो, वो ये कह सकते हैं कि, और आगे कहती हैं कि मेरी सांसों में भी को भी तुम महसूस कर सकते हो। कहते हैं कि मेरे बनने मिटन मेरे बनने और बिगड़ने में हमेशा अपने जो तुम्हारे जो कह सकते हैं जो तुम्हारी सांसें हैं या फिर अपने जो तुम्हारे साध हैं उनके जो क्षण हैं वो तुम उसे गिन सकते हैं, यानी कि वो कह सकती हैं कि जो भी तुम्हारे जो भी तुम्हारे मेरे जब भी मेरे मैं बनती हूँ मिटती हूँ कुछ भी हो तो उसमें अपने लिए तुम कुछ ना कुछ एक क्षण ढूंढ ही लेते हो, उसे उन क्षणों को तुम गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जब मैं भूल में काकी प्राण चला। कहता है कि जलता खिलता और बढ़ता हुआ जो संसार है उसी में के साथ मिलकर एक होकर उसी के साथ ये जो प्राण है वो चला, सपने सपने में सत्य ढला। और कहती हैं कि इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के सपने में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, यानी कि जब तक सपने नहीं देखते वो सच्चाई यानी कि सत्य भी नहीं होता, यानी कि उसमें सच्चाई भी नहीं, वो सच्चाई के रूप में परिवर्तित भी नहीं हो पाता, इसीलिए हमेशा सपने देखते रहना चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो चलिए आगे की के स्लाइड में हम जो हमारा प्रश्न है वो हम करेंगे सबसे पहले। तो अब बारी आती है जो हमारा पाठ है उससे संबंधित प्रश्न है उनको करने का। तो इसमें सबसे पहले जो जाग तुझको दूर जाना है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो हम करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। वह कहती हैं कि भले ही अचल रहने वाला कठोर हृदय वाले हिमालय पर्वत का हृदय कांप जाए या फिर सदा चुप और अलसाया हुआ रहने वाला आकाश प्रलय के आंसू बहाए, चाहे रोशनी को पीकर संपूर्ण आकाश अंधकारमय हो जाए या भले ही कड़कती बिजली हो या निष्ठुर हृदय वाला तूफान भेजा, परंतु हर परिस्थिति में तुम्हें इस नाश पथ पर अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ कर जाना है। दूसरा प्रश्न हमारे कि मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संबंध में किया है। तो मोम के किस संबंध में किया है और क्यों। तो मोम के बंधन का प्रयोग सांसारिक मोह माया के लिए हुआ है क्योंकि यह भी मोम के समान ही कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। तितलियों का प्रयोग सुंदर युवतियों के हाव भाव को दर्शाने हेतु प्रयोग किया गया है क्योंकि इनके हाव भाव मनुष्य को पथभ्रष्ट कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। तो कवित्री सांसारिक मोहमाया रूपी बंधनों से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है। वह मानव जाति को निराशा, उदासीनता और निष्क्रियता को खुद से दूर रखकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को कहती है। चौथा प्रश्न हमारा कि कविता में अमरता सूत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी अमर ब्रह्मा जी की संतान है और अमरता का प्रयोग मनुष्यों के लिए हुआ है, क्योंकि मनुष्य जाति ने अपने हृदय में मृत्यु का भय बैठा रखा है। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें अधीनता की बेड़ियों में जकड़े मानव को कहती हैं कि जो हमारे कवित्री हैं वो अधीनता की बेड़ियों में जकड़े मानव कहती हैं कि सभी बंधनों मोह बंधनों को छोड़कर तू जाग जा, क्योंकि तुझको दूर जाना है, तुझे दूर जाना है। वह कहती हैं कि हर उन विघ्न बाधाओं को पार कर जा जो तुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से रोक रही है। कर्तव्य पथ पर चलने वाले को मिलने वाली पराजय भी जय के समान है। देशभक्ति के पथ पर चलने वाले को अपनी सारी कोमल भावनाओं को त्याग कर सावधान और सचेत रहना चाहिए। आगे का जो प्रश्न है वो है, उसमें काव्य सौंदर्य बताना है आपको, यानी कि जो कुछ पंक्तियां दी गई हैं उनके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है, यानी उन्हें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है, यानी कि जो क है वो है विश्व का क्रंदन और ये अपने लिए कारा बनाने तक का ये जो पंक्तियां हैं उसके बारे में है। तो काव्य सौंदर्य, सबसे पहले जो काव्य सौंदर्य है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है कि इसमें मधुप के मधुप अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और ओज से भरी, यानी ओज और वीरता से भरी, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी को भी उत्साहित करने के लिए या के लिए एक रचित कह सकते हैं कि गीत है ये। और ये मातृभूमि की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोकने में सभी बेड़ियों को तोड़ने की बात इसमें कही गई है। लय तथा तुक सहित पंक्तियाँ हैं। और तो चलिए अगला जो हमारा, यानी कि जो ख नंबर का जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अगला है कर्ण ठंडी आस और ये पंक्तियाँ सजेगा आज पानी तक है। तो इसका काव्य सौंदर्य है कि कवित्री ने हृदय में देशभक्ति रूपी अग्नि जलाने की बात की है। कविता का यह भाग ओज और वीर रस से युक्त है। पानी में श्लेष अलंकार का प्रयोग है और उद्रिक जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। ग है तुझे अंगार शय और ये कलियां बिछाना तक ये पंक्ति है। तो ये कुछ इसका काव्य सौंदर्य है कि अपनी कोमल भावनाओं को त्याग कर देश प्रेम की मिसाल बनने को प्रेरित करती हुई यह पंक्तियां हैं। भाषा सरल और संस्कृत के शब्दों से युक्त है। अंगार शय में रूपक अलंकार का प्रयोग है। विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिलता है। तो चलिए आगे जो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कवित्री कितने स्वाधीनता के मार्ग में अनिल कठिनाई को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहे, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर कई तरह के गुणों का विस्तार करना चाहे। वह चाहते हैं कि मनुष्य सदा सजग तथा दृढ़ निश्चय बने। वह कहती हैं कि स्वाधीनता के लिए सांसारिक मोह माया रूपी बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ो। इसके लिए वह कहती हैं कि अपनी कोमल भावनाओं पर विजय प्राप्त करो, यानी कि उन्हें खत्म कर दो, तभी स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर हो सकोगे। तो ये तो हुआ हमारे जो पहला गीत है हमारे कवित्री का इस पाठ में, वो हमने पढ़ा और उसे माफ कीजिएगा, वो उससे संबंधित हमने उन लोगों ने प्रश्न किया भी और उसे पढ़ा भी और उसके अर्थ भी, यानी उसके भावार्थ भी हमने समझे। अब हम आगे जो दूसरा गीत है हमारे पाठ में वो है सब आंखों के आंसू उजले, इसके प्रश्न करेंगे। तो उसमें पहला, इसमें जो प्रश्न है वो इस गीत से संबंधित जो पहला प्रश्न है, लेकिन आपके पाठ में जो प्रश्न संख्या वो 8 है। तो वो ये है कि महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया और क्यों। तो उजले शब्द का प्रयोग कवित्री ने आंसू की सच्चाई बताने के लिए किया है। कवित्री इसके जरिए बताना चाहती है कि मनुष्य जीवन में अनेक कष्टों के होने पर भी उनके आंखों में कुछ सपने भविष्य के लिए जरूर पलते हैं जिनमें सच्चाई होती है, तथा वही सपने मनुष्य को जीवन पथ पर अग्रसर रहने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न हमारा कि सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। तो कवित्री कहती है कि अपने सपनों को यथार्थ रूप देने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि दीपक जल कर रोशनी फूल खिल कर एक खुशबू फैलाता है,
जिस प्रकार पर्वत सैकड़ों झरनों में बहकर धरती से मिल पाता है, उसी प्रकार सोना आदमी पिघल कर केसर की भांति चमकता है तथा कई रूपों में टूट कर इस धरती पर सुशोभित हो रहा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी कष्ट और कठिनाई रूपी भट्टी में जलकर चमकना होगा। दसवां प्रश्न हमारा, एक नीलम मरकत के संपुट तो जिनमें बनता जीवन मोती पंक्ति नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने नीले आकाश को नीलम तथा धरती को पन्ना का संपुट यानी दल की संज्ञा दी है। इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि इन्हीं दो दलों के बीच जीवन रूपी मोती का जन्म होता है, यानी जीवन को उन्होंने मोती की संज्ञा दी है और यही जीवन अपने विभिन्न रूप में ढलती हुई चमकती है। चलिए आगे स्लाइड में कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दीपक जलकर रोशनी और फूल खिलकर ही खुशबू फैलाता है। जिस प्रकार पर्वत सैकड़ों झरनों में बहकर धरती से मिल पाता है, उसी प्रकार सोना आग में पिघलकर ही केसर की भांति चमकता है तथा कई रूपों में टूटकर इस धरती पर सुशोभित हो रहा है। प्रकृति प्रदत्त यही उदाहरण मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। 12 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आलोक लुटाता हुआ कब फूल जला। इन पंक्तियों का भाव यह कि दीपक घूल घूल कर दूसरों को प्रकाश देता है तथा फूल खिल कर तथा झड़कर खुशबू फैलाता है। दोनों ही एक रास्ते के राह, परंतु दीपक खिल नहीं सकता और पुष्प जल नहीं सकते, यानी दोनों की प्रवृत्ति दूसरों की भलाई है परंतु दोनों के अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न है। इसी प्रकार सभी मनुष्यों के अस्तित्व भिन्न है। और अगला प्रश्न है ख, और कुछ पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। नव तारक सा और जो हीरा पिघला तक, ये पंक्तियाँ हैं। तो ये इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं हम लोग कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि सोना आग में पिघल कर केसर की भांति चमकता है तथा आकाश के सितारों की तरह कई रूपों में टूटकर इस धरती पर सुशोभित हो रहा है। अनमोल बना रहने के लिए भला कब सोना पिघला तथा हीरा खंडित हुआ है। तो इन पंक्तियों के भाव देखने के बाद, वो यानी कि जो भावार्थ है वो देखने के बाद, अब हम हमारा जो 13वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और इस प्रश्न में जो काव्य सौंदर्य है वो स्पष्ट करना है हमें। और पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी एकाकी प्राण चला। तो और इसका जो काव्य सौंदर्य वो कुछ इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों के जरिए जीवन को कभी समाप्त नहीं होने वाला बताया गया है। संपूर्ण संसार को ईश्वर की एकमात्र सत्ता के रूप में दिखाया गया है इन पंक्तियों में। सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश तथा जलते खिलते प्रतिपग तथा मैं मेरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल तथा सजीव भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत युक्त खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो, और इसी आशा के साथ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ धन्यवाद।